दोस्तों, अगर आप भी YouTube पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हो बट आपकी वीडियो पे 10 से 15 व्यूज आ रहा है या इससे भी कम व्यूज आ रहा है, काफी लोगों के दोस्तों मैं YouTube चैनल चेक करता हूँ Instagram पे और आप लोग मुझे बोलते हो कि भाई मेरे चैनल पे जो है क्या प्रॉब्लम है, आप चैनल चेक करके बताओ या मेरे चैनल पे जो है मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, शॉर्ट वीडियो मैं वीडियो अपलोड कर करके थक गया हूँ बट मेरे व्यूज इंक्रीज नहीं होते। तो मैं दोस्तों आप लोगों की वीडियोस जाके देखता हूँ तो भाई काफी लोगों के तो 10-15 व्यूज आ रहे हैं, काफी लोगों के तो जो है जीरो व्यूज है, मतलब एक व्यूज भी नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है, आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रहा है या फिर उस पर व्यूज ही नहीं आ रहा है, 100 व्यूज भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। हमेशा की तरह दोस्तों कुछ नया आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को किसी भी क्रिएटर ने अभी तक नहीं बताई होगी और वो जो सेटिंग है दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे और सेटिंग को करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि भाई ये सेटिंग आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी था आपके चैनल के लिए। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मेरे व्यूज इंक्रीज नहीं होते, मेरे बहुत कम व्यूज आते हैं शॉर्ट वीडियो पे, तो ये दोस्तों सेटिंग करने के बाद आपकी शॉर्ट वीडियो पे ऑटोमेटिक व्यूज बढ़ेगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी जीमेल आईडी से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो एक सेटिंग आपको करनी है जिससे आपके वीडियो पे ऑटोमेटिक व्यूज आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में दोस्तों अगर आपके व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे, 2-5 व्यूज आ रहे, तो भाई ऐसे में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको छोटी छोटी जितनी भी सेटिंग्स है यूट्यूब की तरफ से वो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए ताकि आप लोगों को जो है हर तरीके से बूस्ट मिल सके, थोड़े बहुत आपको स्टार्टिंग में व्यूज मिल सके ताकि आप लोगों का जो शॉर्ट वीडियो है वो आगे लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देख सके, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोगों के मैं यूट्यूब चैनल चेक करता हूँ और आप लोगों के जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जो मैसेज करते हो कि भाई मेरा चैनल चेक करके बता दो और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करते हो, तो भाई मुझे मैं जब आप लोगों के चैनल को चेक करता हूँ तो बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पर देखने को मिलती है। भाई आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले इस वीडियो को देख लो उसके बाद इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, आप लोगों का चैनल भी मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। और इससे दोस्तों आप लोग जो है आपके जो भी डाउट है मुझे वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो चले गए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो कौन सा सेटिंग है जिससे आप अपनी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज बढ़ा सकते हो या आपका शॉर्ट वीडियो वायरल कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरे चैनल पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि भाई जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको फायदा क्या मिलेगा, ठीक है। और वो सेटिंग आपके लिए जरूरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब शॉर्ट्स हिंदी करके, इस चैनल पर दोस्तों मैंने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी, जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो, चैनल पर जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे नीचे की तरफ आप जाओगे तो भाई आपको कोई भी शॉर्ट वीडियो मेरे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और हमारे चैनल पर दोस्तों क्या होता है कि आपके चैनल पर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो या बड़ी वीडियो अपलोड करते हो तो भाई कोई ना कोई वीडियो आपके चैनल पर ऐसा होगा जिस पर आपको रेगुलर थोड़ा बहुत व्यूज मिलता होगा। जैसे कोई सी भी हमारी मोस्ट पॉपुलर जो वीडियो होती है जैसे आपकी वीडियो पर 5,000, 10,000, 15,000 या 1,00,000 ऐसा व्यूज आपका गया हो, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है उस पर रियल टाइम व्यूज थोड़ा बहुत आता रहता है, ठीक है, यानी डेली लोग देखते रहते हैं थोड़ा बहुत आपको करके। अब यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि मेरे इस चैनल पर भी कुछ ऐसी मतलब जो है मतलब ऐसी वीडियोस है जिन पे काफी अच्छा व्यूज आता रहता है, मतलब डेली का 100, 200, 500 इस तरीके से व्यूज आता रहता है, तो उनमें से दोस्तों क्या होता है कि काफी लोग हमारे चैनल पे भी आकर देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कोई अगर मेरे चैनल पे आता है और मैं चैनल पे अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो भाई सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि मेरी वो शॉर्ट वीडियो देखे, ठीक है। सबसे पहले जैसे वो मेरे चैनल पर आए तो मेरी शॉर्ट वीडियो को ओपन करके देखे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो भाई मेरे यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, देख सकते हो आप लोग एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है जिसपे 24,000 मुझे व्यूज मिला है। बट यहाँ पे दोस्तों आप देखो कोई भी अगर मेरे चैनल पे आएगा तो मेरी वीडियो यहाँ पे इसको शो नहीं करेगी। तो भाई यही आपको सेटिंग करनी है, सबसे पहले कोई भी अगर आपके चैनल पे आता है तो भाई आपकी वो शॉर्ट वीडियो वो सबसे पहले देखेगा। मैंने काफी लोगों के दोस्तों चैनल पे देखा है जाके जब वो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट वीडियो नया वीडियो डालते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे तक भाई उनके एक व्यूज भी नहीं आता है। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग है जो थोड़े बहुत आपके व्यूज है वो भाई इसी सेटिंग से आपको मिलेंगे और ऐसे छोटी छोटी सेटिंग करके आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। जिनके भाई लाखों में व्यूज आते हैं जिनके पास काफी अच्छे सब्सक्राइबर है उनको जरूरत नहीं होती इस तरह की सेटिंग की। बट आप लोगों के चैनल आपका बिल्कुल नया है, आपके व्यूज बहुत ज्यादा कम आते हैं, तो आप लोगों को हर एक सेटिंग करना चाहिए जिससे आप लोगों का व्यूज इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात मेरी समझ रहे होंगे। अब दोस्तों ये सेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तरीका। तो आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों गूगल पे जाना है आप लोगों को, यहाँ पे सर्च करना है studio.youtube.com, यानी कि एक तरीके से आपके क्रोम पे आपको चैनल का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों को आता होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो मेरा जो चैनल है दोस्तों उसका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर प्रोसेस आपको नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपका जो चैनल है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, चैनल डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सबसे सिंपल यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने वो ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ भाई। और ये जो सेटिंग है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्रिएटर ने अभी तक आपको नहीं बताई होगी, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आप जाओगे तो भाई आप देख सकते हो मैंने मेरे चैनल पे जो सेटिंग कर रखी है वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एड सेक्शन करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एड सेक्शन करके एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भाई देख सकते हो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है शॉर्ट वीडियोज़ का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी आपके चैनल पर जितनी भी आपने शॉर्ट वीडियो अपलोड किए उनको आप फर्स्ट में स्टार्टिंग में लगा सकते हो, ताकि कोई भी आपके चैनल पे आता है तो सबसे पहले वो आपकी शॉर्ट वीडियो को देखेगा, तो आपका वीडियो वायरल होगा और आपके वीडियो पे व्यूज इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे दोस्तों आप देखो, अभी मैं शॉर्ट वीडियो यहाँ पे ओपन कर यहाँ पे मतलब लगा देता हूँ ऑप्शन, तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ शॉर्ट वीडियो करके एक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हो। यानी कि दोस्तों अब देखो ये मैं मोबाइल में कर रहा हूँ तो भाई इस वजह से ये जो शॉर्ट वाला ऑप्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर की तरफ, कोई भी अगर मेरे चैनल पे आया तो सबसे ऊपर की तरफ मेरी शॉर्ट वीडियोस को दिखनी चाहिए, बट यहाँ पे दोस्तों मोबाइल से ये ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो मैंने मेरा चैनल लगा रखा है, ठीक है, मेरा मेन चैनल यहाँ पे लगा रखा है। मैं यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जैसे मेरे चैनल पे आप आओगे तो सबसे पहले मेरा मेन चैनल दिखेगा, उसके बाद मेरी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है इस तरीके से करके दिखेगी, उसके बाद मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखी है वो इस तरीके से दिखेगा, उसके बाद प्लेलिस्ट मेरी दिखेगी, और उसके बाद लास्ट में जाके ये शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। अब मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन सबसे ऊपर यहाँ पे दिखे, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो का जो ऑप्शन है मेरा वो इस जगह पे दिखना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों इनको हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रिमूव सेक्शन, तो यहाँ पे रिमूव कर लेना इसको, इस तरीके से रिमूव कर लेना, उसके बाद यहाँ पे भी रिमूव कर लेना है, उसके बाद इसको भी जो है यहाँ पे यहाँ से रिमूव कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग रिमूव करोगे तो आपका शॉर्ट्स वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर की तरफ मेरा ये शॉर्ट वीडियो का यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अदर जो सेक्शन है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जैसे मेरी सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर वीडियो आएगी, उसके बाद यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे जो है अभी के जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे अपलोड्स वाले ऑप्शन पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पे शो करे, तो सिंगल प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट है यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सब करने के बाद यहाँ पे पब्लिक वाला जो ऑप्शन है, पब्लिश वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इस सेटिंग से भाई आपको ये फायदा मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों जो वीडियो यहाँ पे लगा हुआ था चैनल ट्रेलर की जगह, और यहाँ पे तो मैंने उस वीडियो को भी यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। उस वीडियो को हटाओगे आप तभी जाकर आपको ये सेटिंग का फायदा मिलेगा। आप यहाँ पे दोस्तों आपके चैनल पर कोई भी अगर सबसे पहले आता तो भाई इसको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगी, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पे चैनल पर ले जाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपके चैनल पर आता है तो सबसे पहले आपकी शॉर्ट वीडियो को देखने को मिलेगी, जो कि आपने लेटेस्ट वीडियो अपलोड करके आप देख सकते हो दोस्तों। मेरे चैनल पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं, तो कोई भी अगर मेरे चैनल पे आता है तो भाई सबसे पहले मेरी जो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वो मेरी यहाँ पे वीडियो दिखेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मेरी शॉर्ट वीडियो उसको नजर आएगी। तो भाई ये काफी अच्छा सेटिंग है जो आप लोग कर सकते हो। अगर आपके व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते तो जो भी आप लेटेस्ट वीडियो अपलोड करोगे सबसे पहले आपके चैनल पे शो करेगी वीडियो, इस तरीके से आप देख सकते हो। आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, चैनल को यार सब्सक्राइब करना, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और भी वीडियोज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको भी आप लोग देख लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।